का चैनल गाइस आप लोग चैनल गाइस आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज पाजी ने कहा कि फोक्सवैगन की एक जबरदस्त गाड़ी हम तैयार कर रहे हैं जो कि है वेंटो। और पाजी हमने अभी तक वेंटो की कोई वीडियो नहीं करी है। हाँ, और इसकी जो ऑडियंस है वो काफी बड़ी है क्योंकि वेंटो एक टाइम की मार्केट की बहुत बूमिंग कार थी, लेकिन अगेन कंपटीशन बहुत बढ़ गया। फिर थोड़ी सी इसमें कंपनियों में कहते ना कि भाई ज्यादा प्रमोशन नहीं किया तो गाड़ी ज्यादा जो है वो मतलब इतने रिस्पॉन्स के साथ नहीं आई। लेकिन पाजी ने जो है इसमें ऑडियो करने का प्लान किया। पाजी क्या सामान है, सामान के साथ ही स्टार्ट करेंगे, पहले आपने क्या सोचा है कि क्या क्या इसमें लगाना है? देखिए अगेन जो ये कस्टमर थे ये मेरे पास पहले भी आए थे, लेकिन जो हमने डिस्कशन करनी शुरू करी, बात करनी शुरू करी, तो उस टाइम वो बिना करवाए चले गए थे और मुझे लग गया था कि क्यों नहीं करवाया। तो आज वो ही केम बैक तो कहता भाई मेरे को सामान थोड़ा सा बेटर चाहिए था और उस टाइम पे मेरा वो इतना बजट नहीं था। ठीक है, तो आज हम एक अच्छा प्रीमियम सेटअप कर रहे हैं जिसमें हम एक अच्छा हाई एंड हेड यूनिट, गुड हेड यूनिट लगा रहे हैं। कौन सी कंपनी का है वो? जो हेड यूनिट हम यूज करने वाले हैं आज जेवीसी का 740 बीटी यूज करने वाले हैं। क्या हमारे पास उसकी फोटो या कुछ मिल सकता है? हाँ, मैं भी आपको पूरा बॉक्स दिखाऊंगा उसका। ठीक है, और एक्सेलसेस ऑडियो आज हम लगाने जा रहे हैं। एक्सेलसेस हमने पहले भी दिखाया, कहां का ब्रांड है सब कुछ पाजी अब हर वीडियो में बताना है कि मैं एक, चाहे वो जर्मन हो, रशियन हो, या फिर कहीं का भी हो, यूएस का हो, कहीं का भी हो, कुछ भी खेल हो, वो आपने बताना जरूरी है क्योंकि लोग कहते हैं मेरे को कमेंट में कि भैया कहां का ब्रांड है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वही मैं देखिए मुसाफिर भैया की वीडियो हमारे साथ इतनी सारी है कि अब हमें कैटलॉगिंग तैयार हो चुकी है तो, लेकिन आज भी लोग प्रोडक्ट वाइज नहीं कार वाइज देखते हैं। तो जैसे आपने बस मैं यही चीज कह रहा हूँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा वेंटो है, तो अगेन जो वेंटो का जो प्रोफाइल है वो पोलो के साथ भी मैच करता है, फाबिया के साथ भी मैच करता है, रैपिड के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हो, स्कॉडास की गाड़ियों को भी सिमिलर प्लेटफॉर्म होता है, तो इससे वो सारी ऑडियंस रिलेट कर सकती है जो इन इन गाड़ियों का प्लान कर रही है। ठीक है, तो हाँ जी। तो पाजी एक चीज मेरे को और बताना कि जैसे आपने बताया कि ऑडियो का जो है हमने मेन जो है कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल प्रीमियम वाले के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टॉक में आ गया है या फिर हमारे पास पहले से स्टॉक में था? एक्सेलसेस हमारे पास स्टॉक रहता है। अगेन देखिए, अगेन ये जो थोड़े से प्रीमियम सेट ऑफ स्पीकर्स होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी ऑन एंड ऑफ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे एक्सेलसेस है, मर्करी C62 है, ग्लैडन है, ये ऑन एंड ऑफ में रिपीट होते रहते हैं एंड सारे ही अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स में है। तो यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट पड़ा है, खोल के दिखा दो। वैसे हमने बहुत वीडियोस में दिखाया हुआ है। हाँ। तो हम लोगों को अब ये भी चीज आ रही है कस्टमर से कि भैया थोड़ी ना छोटी वीडियो बनाओ। हाँ, हमें ये बोला गया है। तो पाजी ने बोला कि भाई आपसे छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन स्टिल भाई इन्फॉर्मेशन देते देते सब चीजें बड़ी हो जाती है। तो ये है आप लोगों का कंपोनेंट पीस। तो एक्सेलसेस का ये XU सीरीज है, इसमें हम दो डिफरेंट सीरीज आगे और पीछे यूज करने वाले हैं। एक XU सीरीज है विच इज अ प्रीमियम सीरीज जो हम फ्रंट में लगाने वाले हैं, और एक ही इनकी जो सीरीज है वो है XP सीरीज जो हम पीछे लगाने जा रहे हैं। तो ये हम XU सीरीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और बहुत ही प्रीमियम सेट ऑफ कंपोनेंट। अगर आप इसका ट्विटर भी देखो तो बहुत ही ब्रॉड रेंज ट्विटर है, और आपको जो कहते हैं ना कि खुल के साउंड आनी चाहिए, और हमने कहीं प्रोफाइल्स में इसको SPL सेटअप्स में भी लगाया जिसमें हैवी बेस सेटअप है, तो इनके वोकल्स लाउड है। बिल्कुल, एक बार चाहूंगा भाजी आप दिखा दो भी काफी ऑडियंस को एक बार, क्योंकि सबके सब जो है इधर ही रख के दिखा दो क्योंकि वो तार पूरा सेट हो रखा होगा जी। ठीक है, तो देयर यू गो। तो ये आप इसका एक कंपोनेंट में और मुसाफिर भाई आपको दिखाना चाहूंगा, जो इन्होंने स्पेशलाइज्ड SQL, इसको कहते हैं वेव गाइड ट्विटर्स, जो कि बहुत ही लिमिटेड कंपनीज ये टेक्नोलॉजी में जाती हैं और एक्सेलसेस ने ये चीज डिजाइन की हुई है। ओ माय गॉड, विशाल भाई आओ देखो चीज, देखो विशाल भाई भी हमारे साथ है, एक बार जरा इसको चेक करो भाई, लुक सो नाइस यार। दीज आर कॉल्ड वेव गाइड ट्विटर्स, जिसमें ट्विटर की एक तो नेचुरल जो साउंडनेस वो भी रहती है, और वेव के थ्रू जब ये आती है तो इसकी लाउडनेस भी बहुत अच्छी, मतलब एक प्रीमियम फील होती है। और भाई एक चीज और बताओ, जो ये जो ट्विटर्स होते हैं इनमें से थोड़ी सी जो पी वाली आवाज होती है वो रहती है, जो सेंसिटिविटी की बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए उसमें ना होता क्या है कि बहुत सारे इक्विपमेंट जब चल रहे होते हैं इकट्ठे, ठीक है, तो जो ट्विटर जितना सेंसिटिव होगा, जितना ज्यादा वो हो, जैसे बुलेट ट्विटर्स कहते हैं, तो उसमें एक लेवल ऑफ नॉइज हल्की सी रहती है या एयर रहती है, वो किसी भी स्पीकर में रहती है टिल द टाइम वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपके म्यूजिक में नहीं कर रही, तो आपको उसका। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा सीटियां आ रही हैं या बहुत ज्यादा अर्थिंग, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है ट्रेन चला रहे हो, तो तब वो दिक्कत वाली चीज, वो एक प्रॉब्लम है कि आपको
ऑडिबल नहीं होना चाहिए। और आपके साथ तो खासकर ये इशू है कि आपके कार इतने ज्यादा मैच्योर है कि आपको कोई इंजन की वाइन भी हो रही हो तो आप उसको भी बस क्या कर रहे हैं, भगवान की दी हुई चीज है, मेरे को दिखाने में बड़ा बढ़िया लगा है मेरे को। दिस इज द नेक्स्ट लेवल, वेरी नाइस और वेरी लाइट वेट ऑल्सो। हाँ लाइट वेट है, ट्विटर प्रॉपर है इसका, क्रॉस ओवर लाइट जलती है इसके अंदर क्या भाजी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरा कट सा तो ऐसे ही बना हुआ इसमें। तो कस्टमर मैंने एक गाड़ी में लगाना है अभी, एक वरना में हमने प्लान किया हुआ है, तो उसमें हम प्रॉपर पिलर पॉड्स बना के ये लगाएंगे, तो होपफुली मैं उसका शोकेस करूंगा। बिल्कुल उसको शोकेस करना जरूरी है। हाँ। तो बाकी तो यहाँ की बात हो गई भाजी, अब हम लोग सीधे अनकट, जो कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप अनकट व्लॉग स्टार्ट कर दो, तो अनकट व्लॉग फिर से चल रहा है, हम लोग सीधे आपको गाड़ी की तरफ लेके चल रहे हैं। और भैया जो है अपने एक नए धमाके के साथ आने वाले हैं, बार बार ही पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, और धमाका जो है वो थोड़ा सा इधर देखोगे ये बताएंगे क्या चीज़ है, ठीक है, बड़े अच्छी चीज़ लेवल में आने वाली है। और बाकी ये देख लो आप लोग, ऐसे हम लोग जो है पूरा काम जो है देख लो भाई, सारा काम लेट के करना पड़ता है। जिनकी डिग्गियाँ लंबी होती है, जो चाहते हैं कि मेरा एम्पलीफिकेशन जो है वो पूरा पीछे सही तरीके से हो, तो उसको ऐसे ही लेट के डेडिकेटेड जो है काम तरीके से किया जाता है। एंड अगेन पाजी, एक वेंटो गाड़ी में काम करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है, और क्या चीज़ इस पर फेस करनी पड़ती है? देखिए कुछ गाड़ियाँ वेंटो भी इतना इजी गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगेन वेरी वेल बिल्ड कार है, और दिस इज़ अ 7 ईयर्स ओल्ड कार, तो अभी तक जो कस्टमर थे वो कह रहे थे 7 साल से मैंने इसको छुड़वाया नहीं, इट्स अ स्टॉक ऑडियो। बिल्कुल, लेकिन मैंने जब भी सोचा हुआ था करूँगा तो एक प्रीमियम सेट ऑफ, मैं क्योंकि जो ओनर है उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि मेरे को वेंटो के बारे में रिपोर्ट लेनी है कि क्या है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को ओन करते हुए। अगेन न्यू वेंटोस भी जो है वो आ चुकी है। तो पाजी इसमें ऑडियो करना मुश्किल, आसान, कैसा पूरा ये सेटअप चलता है? देखिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे फोर्ड की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे फोक्सवैगन गाड़ियाँ होती हैं, थोड़ा खोलना और बंद करना इज अ टास्क। वायरिंग की जगह थोड़ी सी लिमिटेड होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेती है। जैसे नॉर्मल गाड़ी अगर 2 घंटे ले रही है तो इट विल टेक 3 to 4 hours, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन होती है इस गाड़ी में, ठीक है, वी आर डूइंग इट। और अगेन प्रोफाइलिंग इज़ वेरी गुड, तो जो पोलो रहता है, जो रैपिड लेता है, जो वेंटो लेता है, उनके लिए मतलब एक तरीके से अगर कोई करवाने आ रहा है, मैं मेन जो पर्सपेक्टिव समझाना चाहता हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि गाड़ी का गत्ता खोलना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आपका मेन पैनल होता है, लोगों के दिमाग में मिथ बना हुआ, अभी इस गाड़ी में फुल डैम्पिंग भी हो रही होगी, और मैं गैसिंग के उससे बताता हूँ पाजी, इसके अंदर गोल्ड हो रही है या ब्लैक हो रही है? तो ब्लैक हो रही है, गोल्ड सीरीज हो रही है, गोल्ड हो रही है। अच्छा चलो, और अगेन इसमें भी मेरे को बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि भैया आपने फोक्सवैगन गाड़ी में भी, देखिए हम जबरदस्ती डैम्पिंग नहीं, बिल्कुल एक बार दिखा देते, अभी तो स्टॉक में है ना ये, या हो गई है डैम्पिंग इसके अंदर? डैम्पिंग इसकी चल रही है, ठीक है, डैम्पिंग चल रही है फिलहाल के लिए। अगर इसको आप देख रहे हो पाजी, पहले डोर की आवाज सुना देते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको वैसे बता देता हूँ, तो अगर आप मारुति की गाड़ी बजाओगे तो आपको लिटरली टिन वाली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है कि हम डिफेम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल टिन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग है अगेन, इसलिए उसमें एवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी आप लोगों को मिलती है। स्टिल अगर आप लोग अभी इस क्वालिटी को देखते हो, जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं आपको बजा के सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा ये आप लोगों का मेन पैनल की आवाज़ है, ये आपके बोनट की आवाज़ है, ठीक है। तो अगेन फोक्सवैगन जो है वो आप लोगों के पूरे जो बॉडी वर्क होता है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है। इस स्टेज पे नॉर्मली 6th ईयर और 7th ईयर में लोग गाड़ी बेचने की सोचते हैं, ठीक है, लेकिन भैया ने ऑडियो सोचा, फोक्सवैगन का जो कस्टमर होता है इसको रीडू करने की सोचता है, तो ये मेरा भी थॉट प्रोसेस है। और ये भैया की गाड़ी है, आप भैया से मिल सकते हैं। कैसे है भैया? भैया क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, तो सचिन भाई एक चीज़ बताइए, भैया ने जैसे बोला कि 6-7 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, और भैया ने पहले मेरे को स्टोरी बताई, एक बार आप पहले आए थे, पूरी चीज़ें हमने ऑडियंस के साथ पूरी चीज़ें शेयर की है, तो जो आप अभी सेटअप इसमें करा रहे हो उसके बारे में आपने नॉलेज गेन करी या फिर आपने कहीं पर कुछ पढ़ा, कैसे आपने मतलब पूरा ये प्लान किया? आपकी वीडियोस देखी थी, ठीक है, भैया से आने के बाद बोला कि जैसे मेरी डिमांड रिकमेंड करने के लिए, आप जो रिकमेंड करते हो मतलब, ठीक है, कि मेरा बजट इतना है और इसमें आप क्या रिकमेंड करते हो? चलो, और वैसे फोक्सवैगन की क्या रिपोर्ट है, मतलब पूरी अगर रिपोर्ट होगी तो? फोक्सवैगन गाड़ी के लिए तो खैर बहुत अच्छी गाड़ी है, 2013 से ला रहा हूँ और 7 साल बाद ₹1,00,000 का सिस्टम अपग्रेड कर रहा हूँ, तो गाड़ी अच्छी होगी तभी। चलो बहुत बढ़िया फीडबैक है, कम शब्दों में भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। सो मीनवाइल जो है आप लोगों को ये यूजुअली काम मैं स्टार्टिंग में दिखाया करता था जिसमें एक एक पूरा डैम्पिंग वाला प्रोसेस होता था, लेकिन वो लेम हो जाता है तो इसलिए हम लोग बार बार नहीं दिखाते हैं। सो अभी हम लोग कर रहे हैं गोल्डन वाली सीटी के की डैम्पिंग, अगेन बहुत सारी कंपनी आप लोगों को सेम डैम्पिंग जो है मार्केट में देखने को मिलेगी, वो केवल गोल्डन कलर है, उसका काम और उसका यूसेज और उसका जो क्वालिटी है वो सेम नहीं होता। अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं काम करवा लेते बाद में कहते हैं कि भैया मुसाफिर भैया ने ये गोल्डन वाली डैम्पिंग दिखाई थी, भाई तो मुसाफिर भैया आपको सीटी के की गोल्डन बोलते हैं, हर गोल्डन गोल्डन नहीं होता, हर सोना सोना नहीं होता, ठीक है भाई, ये तो बस इजी शब्दों वाली बात बोलनी जरूरी है। यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं भाई डैम्पिंग के आपने पूरे पैसे लिए तो ये टुकड़ों में डैम्पिंग क्यों लगा रहे हो? भाई जहां पर
सबसे ज्यादा नॉइज वाला पार्ट बनता है या फिर जहां से सबसे ज्यादा आवाज क्रिएट हो सकती है हमें वहीं पर लगाएंगे या कहीं और जाके लगाएंगे? देखिए, डैम्पिंग का एक पर्पस होता है, अगर आपके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेट पैनल है, अब हम अगर छत पे लगा रहे हैं या अगर हम फ्लोर पे लगा रहे हैं तो हमें टुकड़े करने के लिए, क्योंकि पैनलिंग सेम होती है बॉडी पे, बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट चलती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से जो बिल्कुल ही ऊपर थापड़ है, अगर हम इसमें स्ट्रेट शीट लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी वो बॉडी पे अटैच नहीं होगी, और अटैच नहीं होगी तो उसकी पकड़ नहीं बनेगी और वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगी, उसके निकलने के भी चांसेस रहेंगे, और जिस पर्पस से हम डैम्पिंग लगा रहे हैं वो जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का क्लियर नहीं है। बहुत अच्छी चीज पाजी ने जो है आप लोगों के साथ शेयर करी, यहाँ डैम्पिंग का प्रोसेस चल रहा है। सो पाजी, हेड यूनिट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है? नहीं, हेड यूनिट इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप इस तरफ से आ जाओ, थोड़ी देर मेरा भाई हट जाएगा तो मैं इस तरफ से आ जाऊंगा एक बार, ठीक है? बस ऑडियंस को चेक करा रही है कि हेड यूनिट कैसी है, कितने इंचेस में आता है पाजी? ये अराउंड 6.8 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, तो इसका जो ये फ्रेम आता है प्रॉपर, और उसी के अंदर ही हमने इसको पूरा बिल्कुल प्रीमियम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टॉप मॉडल हो रहा है। हाँ, तो एग्जैक्टली इसका प्रॉपर फिनिश तो आ जाता है। एक चीज मेरे को आपने याद दिलानी है, हमने इसका ऑन एंड ऑफ चेक कराना है ऑडियंस को, ठीक है? मतलब ये जब स्टीरियो ऑन होगा क्या इसका लुक आता है, और पूरा मतलब जो अंदर का इंटरफेस होगा एक बार दिखाना, स्टार्टिंग से इसको लेंगे एक बार, ठीक है? और मीनवाइल जो है सेटअप यहाँ पर चल रहा है, अगर आप लोग देखना चाहोगे, ठीक है? ट्विटर्स भी आप देखो, यहाँ पे हमने एंगल माउंट करे हैं, देख लीजिए वहाँ पर उस तरफ में एंगल माउंट, सारी वायरिंग्स वगैरह जैसे कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है, जितनी वायरिंग उतनी कोशिश करिए, जो भी वायरिंग करना चाहता है या जो नहीं करता, आपको इसकी कंपनी का ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग देख लीजिए एक बार, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी वायर खींच दो, सबसे मेन जरूरी चीज है, बेस्ट वे इज टू फॉलो द कंपनी पैटर्न, ठीक है? और पाजी, सबवूफर के लिए क्या सोचा है भैया ने, मतलब क्योंकि ऐसी लंबी गाड़ी के लिए अगर ही स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और वो अगेन कंपोनेंट भी लगा रहे हैं, तो ये मेरा भी रिकमेंडेशन रहता है कि वूफर लगाओ। हाँ, तो देखिए आइडिया वही था, हमारी डिस्कशन हुई, इन्होंने कहा कि मेरे को अंडर सीट जाना है, मैं कहा नहीं, अगर आप प्रीमियम अंडर सीट में, वो फिर वही है, वो आपको एक घों घों एक रहेगा, लेकिन अंडर सीट बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, मुझे पता है मैं वूफर से ज्यादा अंडर सीट से, मैंने भी अंडर सीट यूज किया, लेकिन एक टाइम आता है वो लाइफ का जब आप 3 महीने 4 महीने बाद बोलोगे कि नाउ आई शुड अपग्रेड। हाँ, तो अभी इन्होंने कहा कि मुझे फिर सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट ऑप्शन दिखाओ सबवूफर की, तो वही हम अभी जो हमारा प्रायोरिटी है, या तो हम मॉरल का लेंगे या 12 इंचेस में डेप्थ बॉन्स का मशेटे लाइट, तो वो दोनों ऑप्शन हम सुन के देख लेंगे, विच एवर ही इज कम्फर्टेबल विद हम वो वाला सबवूफर यूज कर लेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, और आई गेस जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को मैंने बता दिया, अगेन इस गाड़ी में ऐसा कोई बिल्ड क्वालिटी का इशू आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ी फोक्सवैगन के, इसमें हम लोगों को डैम्पिंग का अगेन एक बोल सकते हो आप एक प्लस पॉइंट है डैम्पिंग करवाना आप लोगों के लिए। देखिए बहुत लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, ये वेंटो पोलो रैपिड लोग कंप्लीटली डैम्पिंग कराने भी आते हैं। बिल्कुल, देखिए ये नहीं है कि आपने अगर एक अच्छी चीज ले लिया तो उसको आप बेटर नहीं कर सकते, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, लेकिन मैं हाँ अगर कहें गिवन अ चॉइस कि हम टोयोटा सुजुकी और इसमें किसमें डैम्प करेंगे, तो हम सुजुकी टोयोटा को ज्यादा डैम्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हल्की है ही है। चलो भाई, बहुत अच्छा फीडबैक है, और बाकी ये डोर क्या होगा एक बार बता देना, क्या इसके पीछे क्या निकल सकता है, ये अभी आने वाले टाइम पे वक्त में इसका पर्दाफाश आपके सामने हो जाएगा। मीनवाइल जो है वेंटो का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, भैया ने जो है अपना स्टीरियो पहले लगाया था जेवीसी वाला, लेकिन उनको कुछ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की दिक्कत आई, जिसकी वजह से वो कहते हैं स्लो था, आई थिंक कुछ सेट में था, नॉर्मली जेवीसी वगैरह जैसे ब्रांड में इशू आता नहीं है, लेकिन बाय चांस था, तो हमने अभी सोनी के 5000 मॉडल पे स्विच कर दिया, ठीक है? तो वो अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो अभी फाइनल आपको उसकी आउटपुट का भी दिखाएंगे। और भाई नेक्स्ट लेवल की चीज यहाँ पर आ चुकी है, जो की है वेस्ट कोस्ट, तो भैया तो बताएंगे, उससे पहले विशाल बताएगा भाई वेस्ट कोस्ट क्या है। जिनको नहीं पता है उनको भैया ने बता दिया, बाकी आप सर्च कर लेना, वेस्ट कोस्ट के आप लोगों को इंक्लोजर जो है वो पाजी का मिल जाएंगे। स्पेशल चीज जो इनके बारे में, पाजी इनमें इनबिल्ट एम्पलीफायर आता है? देखिए हम एक्टिव सबवूफर्स बहुत ज्यादा करते नहीं, लेकिन ये विद प्रॉपर इनबिल्ट एम्पलीफायर है, अराउंड 200-250 आरएमएस है, तो अगर आप बॉक्स की बिल्ट भी देखोगे विद अ नाइस स्लॉट एरोपोर्ट है, तो बहुत ही अच्छी डीप बेस है, प्रॉपर इसकी ग्रिल्स आई हुई है, अगर आप वूफर भी देखोगे तो इसमें प्रॉपर कार्बन फाइबर की कोन वगैरह है, रबर सराउंड, बहुत अच्छा बिल्ट है, मैंने पहले भी लगाए थे, तो दोबारा मेरे पास कुछ स्टॉक आया, तो विल डेफिनेटली यूज दिस इन सम ऑफ आर सेटअप्स, कुछ सेटअप्स में आपको दिखाऊंगा, बाकी आप बिल्ट देखो आप इसकी, और जो भी वेस्ट कोस्ट का हार्डकोर फैन है, मुझे पता है जो पुराने कार्स के शौकीन है वो वेस्ट कोस्ट को जरूर देखते होंगे, वो आज भी आई थिंक डिस्कवरी टर्बो पे उनका सीरीज आती है, यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। तूने किसमें देखी थी? मैं यूट्यूब पे और मतलब अलग अलग, तो तू बचपन से देख रहा है? मतलब काफी टाइम से देख रहा हूं। कितने बचपन में से, कितना छोटा था तब तू? जब तक आगे बोली जब तक। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो भाई बिल्कुल वेस्ट कोस्ट का ले सकते हो, अगेन मैं आप लोग को चॉइसेस बताता हूँ, बाकी आपका खर्चा जितने पैसे आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप लोग परचेसिंग कर सकते हैं।
money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. आज हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया Volkswagen Vento का ऑडियो, और पाजी क्या इसकी कॉस्टिंग थी, एक बार कॉस्टिंग का आइडिया देना। देखिए अप्रॉक्सीमेटली जो पूरा सेटअप था मुसाफिर भाई, पहले मैं लिस्ट आउट कर दूं, इसमें एक सोनी का हेड यूनिट लगा था और प्रॉपर फ्रेम वगैरह के साथ, और फ्रंट में एक्सेलसस के XU सीरीज थी जो थोड़ी हाई एंड थी, पीछे XP सीरीज थी, एक फ्लक्स का हमने एम्पलीफायर यूज किया इसमें, और मॉरेल का प्राइमो सीरीज का 8 इंचेस का सब यूज करा है, ठीक है, विद प्रॉपर वायरिंग एंड डैम्पिंग। तो ओवरऑल जो सेटअप था इसका 1,05,000 रुपए का पूरा कॉस्ट किया था, 1,05,000 रुपीज। तो एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, आज आपने भैया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि हम भी जब लगातार 7-8 गाने अपने सुनते हैं तो हमें पता है जब मजा आ रहा था तो आप और मैं फिर बैठ के हम सुनते रहते हैं म्यूजिक का एक्सपीरियंस। एक चीज और पाजी, इससे पहले हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें ब्रेजा हमने तैयार करी थी, उसकी कॉस्टिंग हमने बताई थी, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, एक बार कॉस्टिंग के बारे में बता दो। देखिए वो वाली जो ब्रेजा थी उसकी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कॉस्ट डैम्पिंग के साथ अराउंड 57-58,000 का कंप्लीट पैकेज था, 57-58,000, ठीक है, तो वो पूरा वो था। और बाकी आज आप लोगों ने जो भी काम होते हो देखा, ये हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट में, Volkswagen Vento हम लोगों ने की थी। अगेन आप लोगों के पास कोई सी भी गाड़ी है जिसमें आप ऑडियो कराना चाहते हो, अगेन हम लोग जो है वो प्रीमियम बेसिस में या अपॉइंटमेंट बेसिस में, जो कहते हैं ना कि हमें अपॉइंटमेंट लेके प्रीमियम काम करके जो है आप लोगों को देते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मोटर कॉन्सेप्ट में मिलेगी वो सारी चीज़ें प्रीमियम, चाहे वो RC का कोई वो कहते हैं कि भैया एक तार जो है वो कतार जो है वो इतनी महंगी कैसे हो सकती है, या एक स्पीकर इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो भाई देखो, अगेन जब आप एक अच्छी जगह आ रहे हो जहाँ पर आप लोगों को सारा सामान एक जगह में मिलता है, तो भाई वहाँ पर जो है आप लोगों को बेस्ट गुड, और जो कहते हैं कि भाई बिल्कुल जो लास्ट आपको चीज़ मिल सकती है वो है कि भाई बिल्कुल फुल पावर मिलेगा जो भी होगा। मुसाफिर भाई वही वाली बात है, आज तक इतने हमने गाड़ियाँ आपके साथ भी करी हैं, टचवुड रिस्पॉन्स हैज बीन सुपर। तो वही होता है कि देखिए ऑडियो ना बहुत सारी चेन जोड़ के एक ऑडियो बनता है, तभी मैं आप फोन भी करते हैं या आप मैसेज भी करते हैं तो मैं एकदम से आपको नहीं समझा सकता, आपको रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप शोरूम आइए, हमारे से डिस्कस करिए, हमारे साथ बैठिए और फिर अपना डिसीजन फाइनलाइज करिए, क्योंकि इसमें हर चीज का एक लिंक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक महंगे से महंगा स्पीकर लगा लिया तो हमारी साउंड आ जाएगी, तो महंगा स्पीकर इज नॉट एन ऑप्शन। आप स्पीकर अच्छा लगाओ, उसको मैचिंग करने के लिए एम्पलीफायर है, अगर आप एम्पलीफायर भी नहीं चाहते तो आपको प्लग एंड प्ले स्पीकर्स की ऑप्शन होगी, तो वो आपका टेस्ट जब तक आपको नहीं पता चलेगा। अगेन जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो आप लोगों को पूरे वर्दी लगेंगे, इवन जो सेटअप आप 1 साल चला रहे हो, 1.5 साल चला रहे हो, 2 साल चला रहे हो, वो आप लोगों को पूरा वर्दी होगा। जितना भी काम आप लोगों ने होते हुए देखा ये हुआ है मोटर कॉन्सर्ट में, जो कि एक प्रीमियम ऑडियो डेडिकेटेड स्टोर है। यहाँ पर एसेसरीज से रिलेटेड कोई भी भैया काम नहीं करते हैं, बस यही है कि अगर आप लोगों के गुडविल में भैया ने आप लोगों को कुछ करवाना चाहे तो करवा के दे सकते हैं। हाँ, नहीं कुछ एक्सेसरीज कई बार हम अरेंज कर देते हैं। हाँ, लाइटिंग का मैं मुसाफिर भाई के पीछे पढ़ाऊं कि वन सील गिव अ गो हेड, बहुत जल्दी हम लोग जो है लाइटिंग सेटअप के लिए कुछ अपग्रेडेशन लाने वाले हैं, जो कि ओनली एट मोटर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेगा, गारंटी वारंटी सब कुछ मिलेगा, जो होगा आने वाले टाइम पे आपको पता। दूसरी चीज एक मैं आपसे मुसाफिर भाई, जो आपने 1-1.5 साल में जो साउंड प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट इतना मार्केट में एक्साइट किया, तो बहुत लोगों का, मुझे भी कई वेंडर्स का भी कॉल आता है कि भैया आप लोगों ने साउंड प्रूफिंग की, तो इस चीज को भी हम नेक्स्ट लेवल, देखिए मार्केट इतनी फास्ट, जिन्होंने मेरे को बोला कि अब मैं गाड़ी के लिए ऐसे ऐसी चीजें ले आऊंगा जो कि लोग केवल सोचते थे। हाँ, और साउंड प्रूफिंग में भी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने ये देख लिया है कि फर्स्ट लेवल ऑफ डैम्पिंग हर कोई कराने में कंफर्टेबल हो गया, ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्वालिटी, देखिए मार्केट मैंने देखा है कि मार्केट सस्ती सस्ती डैम्पिंग में जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो किसी को कट करने के लिए क्या होता है कि आप 100 की चीज लगा रहे हो तो हम 50 की लगा देंगे, लेकिन हम बेटर चीजों में ही जा रहे हैं और हमें उसका रिस्पांस मिल रहा है। मैं आप मानोगे नहीं, मैं कुछ चीजें आपको भी नहीं दिखा पाया, जैसे CTK की डोमिनेटर सीरीज आई थी, अच्छा, आते ही सोल्ड आउट हो गई। क्या वो कौन सा कलर था, क्या था भाजी? कलर नहीं, वो एक लेवल और प्लस था, तो जिन्होंने CTK की वेबसाइट थी, और 2-3 मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखाऊंगा कि बहुत अच्छी हाई क्वालिटी डैम्पिंग्स आ रही हैं, विच विल बी सुपर्ब, तो आगे फ्यू मंथ्स विल बी रॉकिंग, ठीक है।
ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR711 यानी कि मुसाफिर 811। अगर आप मोटर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हो आप लिख सकते हो MOTORCONCEPT मोटर कॉन्सेप्ट। और जो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाता हूँ भैया शूट कर लेते हैं, जो भैया शूट नहीं करते वो मैं कवर कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत है तो हम लोग और ऊपर जो है बहुत जल्दी निकल के आने वाले हैं। वी आर कमिंग अप विथ वेरी स्पेशल अपडेट जो कि आप लोग कह सकते हो कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत के बिना नहीं पूरा हो पाता। हमारी मेहनत, आपकी मेहनत, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हम थैंक्स अलॉट यही कहते हैं कि आप लोग ही हैं जिन्होंने हम लोगों को जो है इतने अच्छे पायदान में लाके दिया। और उसी वजह से हम चाहते हैं कि इन जो हमारा कस्टमर है जो अपनी गाड़ी को इतना प्यार करता है उनका एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल चला जाए। तो भाई मतलब लगा लो वीआर नहीं करने वाले लेकिन कुछ नेक्स्ट लेवल होगा। बाकी आप लोग आगे वीडियो में देख लोगे। फेसबुक में अगर मुसाफिर को फॉलो करना है या संडे ड्राइव का पार्ट बनना है, मुसाफिर स्क्वाड नाम का एक पेज है, उसको फॉलो जरूर कीजिए। वहां पर हम क्वालिटी पीपल को ही ऐड करते हैं, हर किसी को ऐड नहीं करते। पाजी ने भी ये बात बोली है। और बाकी अगर आप लोगों को सब कुछ जो है समझ आ गया तो वीडियो को यहीं पर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड